नमस्ते बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्लास 9 का टिश्यू चैप्टर का कनेक्टिव टिश्यू डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम इससे पहले के पार्ट डिस्कस कर चुके हैं और एपिथेलियल टिश्यू तक हमने लास्ट जो टॉपिक था उसमें डिस्कस किया था। आज हम शुरू करेंगे कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ऐसा टिश्यू जो दो चीजों को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जा रहा है। हमारी बॉडी में कई तरीके के कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं, जिनमें से ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू का ही टाइप है। अब कनेक्टिव टिश्यू का नाम मैंने आपको बोला कनेक्टिव टिश्यू, ऐसा लगता है जैसे दो चीजों को कनेक्ट कर रहा है, तो दिमाग में क्वेश्चन आता है कि कनेक्टिव टिश्यू ब्लड को क्यों बोलते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू की स्ट्रक्चर के बारे में यदि हम देखें तो आप देखेंगे एनसीईआरटी में लिखा है द सेल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली स्पेस्ड एंड एम्बेडेड इन अ इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। यानी कनेक्टिव टिश्यू की जो सेल्स होती हैं उनमें काफी स्पेस होता है बीच में और वो एक मैट्रिक्स में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और ये मैट्रिक्स जो है वो जेली के जैसा भी हो सकता है, फ्लूइड लिक्विड की फॉर्म में भी हो सकता है, डैम्प भी हो सकता है और सॉलिड फॉर्म में भी पाया जा सकता है। द नेचर ऑफ द मैट्रिक डिफर इन द कॉन्कॉर्डेंस विद द फंक्शन ऑफ पार्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। कहने का मतलब ये है कि मैट्रिक्स का नेचर इस चीज पर डिपेंड करता है कि जो कनेक्टिव टिश्यू है हमारा उसको काम क्या करना है। यदि हम ब्लड की एक ड्रॉप लें और उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करें तो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर हमारे सामने आते हैं। हम देखते हैं वो कई तरीके की जो सेल्स हैं उनसे मिलकर हमारा ब्लड जो है वो बना हुआ है, ठीक है। ब्लड हैज अ फ्लूइड लिक्विड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा इन विच द रेड ब्लड सेल व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट आर सस्पेंडेड। ब्लड क्या होता है, एक लिक्विड फॉर्म में होता है जिसका मैट्रिक्स जो है लिक्विड फॉर्म में होता है और उसकी जो सेल्स होती हैं जैसे रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट जो होती हैं वो उस लिक्विड में जो है वो सस्पेंडेड मैंने तैरती रहती है। द प्लाज्मा कंटेन प्रोटीन सॉल्ट एंड हॉर्मोन्स। जो प्लाज्मा होता है उसमें क्या कंटेन करता है, वो प्रोटीन सॉल्ट और हॉर्मोन से मिलकर बना हुआ होता है। ब्लड फ्लोस एंड ट्रांसपोर्ट गैसेज डाइजेस्टेड फूड। ब्लड का काम क्या होता है, ब्लड जब मूव करता है हमारी बॉडी में तो वो कई तरीके की गैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है, जैसे ऑक्सीजन को लंग से कैरी करके सेल्स तक पहुंचाता है, जिससे वहां वो ऑक्सीजन उसमें प्रेजेंट जो ऑक्सीजन है वो क्या फूड की ब्रेकडाउन में यूज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होती है उसको फिर से लंग्स में पहुंचाने का काम करता है। डाइजेस्टेड फूड जो स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्सॉर्ब हो जाता है उसको बॉडी से अंदर तक पहुंचाने का काम करता है, जिससे कि बॉडी की ग्रोथ हो, रिपेयर हो और एनर्जी मिले। ऐसे ही हार्मोन को भी जो हमारा ब्लड है वो जहां से इसकी रिलीजिंग साइट होती है वहां से टारगेट साइट तक पहुंचाने का काम करता है। और बॉडी में जो वेस्ट मटीरियल है उनको भी जहां से उनका रिमूवल होता है उस पार्ट तक पहुंचाने का काम ब्लड करता है, ठीक है। तो अभी हमने क्या जाना कि ब्लड का जो मैट्रिक्स होता है वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है जिसे हम प्लाज्मा बोलते हैं। चार तरीके की सेल्स प्रेजेंट होती हैं ब्लड में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, सॉरी तीन तरीके की सेल्स होती है। प्लाज्मा जो है फोर्थ कंपोनेंट होता है ब्लड का, उसे हम सेल नहीं बोल सकते। प्लाज्मा का जो कंपोजिशन होता है वो किससे मिलकर बने होता है, प्रोटीन सॉल्ट और हॉर्मोन से, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड कनेक्टिव टिश्यू दैट इज बोन। बोन इज द अनदर एग्जांपल ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। इट फॉर्म द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट द बॉडी। ये ऐसा ढांचा होता है जो बॉडी को सपोर्ट करता है। इट ऑल्सो एंकर द मसल्स एंड सपोर्ट द मेन ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। जो बोन है वो मसल्स को एंकर पकड़ने का काम करती है और बॉडी को जो है वो सपोर्ट करती है। इट इज अ स्ट्रांग नॉन फ्लेक्सीबल टिश्यू। ये मतलब कहने का मतलब ये एक ऐसा टिश्यू है जो नॉन फ्लेक्सीबल है और ये नॉन फ्लेक्सीबल होने के कारण ही हमारी जो बॉडी है वो क्या होती है, काफी स्ट्रांग रहती है बोन की वजह से। बोन सेल आर एम्बेडेड इन अ हार्ड मैट्रिक्स। और बोन का जो फंक्शन है वो बॉडी को सपोर्ट करना है तो उसका जो मैट्रिक्स होता है वो हार्ड होता है जो कि कैल्शियम और फॉस्फोरस कंपाउंड से मिलकर बनता है। यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिखा रखा है बोन का। बोन की जो सेल्स हैं वो इस तरीके से अरेंज है, कैनाल कुछ बनी हुई है आपको, जिन्हें बोलते हैं हम कैनालिकुलर। ये जो सेल्स होती हैं आपकी वो सर्कुलर फॉर्म में अरेंज होती हैं, आपकी ऑस्टियोसाइट जिन्हें बोलते हैं। ऑस्टियोसाइट जो होती है सेल्स ऑफ बोन होती हैं और आप देख रहे हैं किस तरीके से वो अरेंज है, सर्कुलर फॉर्म में अरेंज है और ये जो स्ट्रक्चर आपकी तैयार होती है ऑस्टियोसाइट से मिलकर इनको हम बोलते हैं कैनालिकुलर। ये स्ट्रक्चर ऑफ बोन है आपको जो दिया हुआ है।
टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड द लिगामेंट। और दो बोन्स को जोड़ने के लिए एक और कनेक्टिव टिश्यू होता है हमारी बॉडी में, जिसे हम लिगामेंट बोलते हैं। दिस टिश्यू इज वेरी इलास्टिक, और ये टिश्यू क्या होता है, काफी ज्यादा इलास्टिक होता है, स्ट्रेचेबल होता है। इट हैज कंसिडरेबल स्ट्रेंथ, और इसकी जो स्ट्रेंथ होती है मतलब काफी अच्छी होती है। लिगामेंट कंटेन वेरी लिटिल मैट्रिक्स, लिगामेंट का जो मैट्रिक्स होता है बहुत कम होता है। टेंडन कनेक्ट मसल टू बोन्स एंड आर अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। जो टेंडन होते हैं वो मसल को बोन से कनेक्ट करते हैं, और ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है। कहने का मतलब ये है, लिगामेंट आपके बोन से बोन को कनेक्ट करते हैं, और टेंडन आपके मसल से बोन को कनेक्ट करते हैं। और आपके जो लिगामेंट होते हैं वो क्या होते हैं, इलास्टिक होते हैं, ठीक है। और टेंडन जो है वो फाइब्रस टिश्यू से बने होते हैं, और उनकी स्ट्रेंथ जो है वो काफी अच्छी होती है, लेकिन जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है। यानी लिगामेंट जो है फ्लेक्सिबल होते हैं, और आपके टेंडन जो है वो कम फ्लेक्सिबल होता है कंपैरेटिवली टू द लिगामेंट। अब मैं यहाँ पर दोनों को कंपैरिजन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन द टेंडन एंड लिगामेंट, और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा रिपीटेड होता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि टेंडन जो है क्या है, इलास्टिक होता है, और सॉरी लिगामेंट जो है इलास्टिक होता है, टेंडन जो है वो लेस इलास्टिक होता है कंपैरेटिवली टू द लिगामेंट। और दो बोन को आपस में जोड़ने का काम लिगामेंट करता है, और बोन को मसल से जोड़ने का काम टेंडन करता है। अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज कार्टिलेज, हैज वाइडली स्पेस्ड सेल। कहने के मतलब एक और कनेक्टिव टाइप टिश्यू प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में, जिसे हम कार्टिलेज बोलते हैं, जो हमारे स्केलेटन का एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है, और इसकी सेल्स भी काफी स्पेस में प्रेजेंट रहती हैं। द सॉलिड मैट्रिक्स इज कम्पोज ऑफ प्रोटीन एंड शुगर, और जो आपका कार्टिलेज होता है उसका मैट्रिक्स प्रोटीन और शुगर से मिलकर बनता है। कार्टिलेज का काम क्या होता है, कार्टिलेज जो है बोन का जो सरफेस होता है उसको स्मूथ बनाती है, जो ज्वाइंट है बोन के जो ज्वाइंट होते हैं उनको स्मूथ बनाती है, ठीक है। और कार्टिलेज जो है हमारी जो नोज ईयर ट्रैकिया और लैरिंक्स, ये जो बॉडी पार्ट्स हैं इनमें प्रेजेंट होती है। वी कैन फोल्ड द कार्टिलेज ऑफ द ईयर्स बट वी कैन नॉट बैंड द बोन इन अवर आर्म। कहने का मतलब हम अपने कानों की जो कार्टिलेज है उसको बैंड कर सकते हैं, लेकिन बोन को बैंड नहीं कर सकते। थिंक ऑफ हाउ द टिश्यू टू आर डिफरेंट, कहने का मतलब ये इससे ही पता चल जाता है कि बोन जो कनेक्टिव टिश्यू है वो कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू से किस तरीके से अलग है। दोनों के मैट्रिक्स में काफी अंतर है। आपका जो कार्टिलेज है वो प्रोटीन और शुगर से मिलकर बना हुआ है, और जो बोन का जो मैट्रिक्स है वो किससे मिलकर बना हुआ है, फॉस्फोरस कंपाउंड कैल्शियम और फॉस्फोरस कंपाउंड से बना होता है। बोन जो है काफी ज्यादा हार्ड होती है, जबकि कार्टिलेज हार्ड नहीं होता है। कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होता है, बोन फ्लेक्सिबल नहीं होती है। अब यहाँ पर कार्टिलेज को जो है बोन से कंपैरिजन किया हुआ है, इसका मतलब आपको कई बार क्वेश्चन ये वाला भी पूछ लिया जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द बोन एंड कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पर आपको कार्टिलेज की स्ट्रक्चर दिखा रखी है, जिसमें कॉन्ड्रोसाइट जो होती है वो आपकी कार्टिलेज की सेल्स को बोला गया है, और उनका जो मैट्रिक्स होता है वो कैसा होता है, हाइलाइन होता है। नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू है हमारा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो है वो हमारी स्किन और मसल्स के बीच में प्रेजेंट होता है। हमारी स्किन को अंदर प्रेजेंट मसल से जोड़ने का काम करता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, और ये हमारी ब्लड वेसल्स के आसपास, वेन और आर्टरी जो होती है हमारी ब्लड वेसल्स होती है उनके आसपास प्रेजेंट होता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। साथ के साथ जो नर्व होती है, जो नर्व ब्रेन से रिलेटेड होती है, तो नर्व के आसपास भी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, और हमारी बोन मैरो में भी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। अब कई बार पूछ लिया जाता है कि विच टिश्यू इज प्रेजेंट इन बोन मैरो, ठीक है। तो आपको यदि आपने पढ़ा है तो आप आंसर कर पाओगे, अगर जो आप नहीं लर्न किया है तो आप वहां पर आंसर नहीं कर पाते। इसलिए हर चीज को, हर एक पॉइंट को, हर एक लाइन को साइंस में ध्यान से पढ़ना पड़ता है। इट फिल द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन, सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन एंड हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यू। अब यहाँ पर आपको एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन बता दिया क्या, इट फिल द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन, ऑर्गन जो हमारी बॉडी के जो अंदर के ऑर्गन है इनके बीच जो स्पेस होता है इनको फिल करने का काम करता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन, और जो बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन है उनको सपोर्ट करता है, और यदि किसी टिश्यू में जो है कहीं आपका डैमेज हो जाए तो उनको रिपेयर करने का काम भी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू करता है।
ठीक है, तो लोकेशन कहाँ पर है इसकी? स्किन और मसल्स के बीच में और ब्लड वेसल के आसपास, नर्व के आसपास और डाउन मैरो के आसपास। काम क्या करता है कि ऑर्गन के जो बीच में स्पेस है वहाँ प्रेजेंट होता है, उनको सपोर्ट करता है, रिपेयर करता है। ठीक है, ये आपके एरेलर कनेक्टेड टिश्यू की स्ट्रक्चर आपको दिखा रखी है। ठीक है, तो इसकी जो सेल आपको दिखा रखी है, मैस सेल और प्लाज्मा सेल आपकी, कुछ ब्लड सेल की भी दिखा रखी है इसमें। ठीक, और ये कोलेजन फाइबर से आपका बना हुआ है, यहाँ पर दिखा रखा है फाइब्रोब्लास्ट। ये सब क्या है इसके मतलब स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर ऑफ एरेलर कनेक्टेड टिश्यू। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका वे आर फैट स्टोर्ड इन अवर बॉडी, कहने का मतलब ये कि हमारी बॉडी में फैट कहाँ स्टोर होता है। फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू इज फाउंड बिलो द स्किन एंड बिलो द इंटरनल ऑर्गन, कहने का मतलब फैट को स्टोर करने के लिए भी हमारी बॉडी में स्पेशल टाइप का टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसे हम एडिपोज टिश्यू बोलते हैं, जो कि इंटरनल ऑर्गन के बीच में प्रेजेंट होता है, स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज आर फिल्ड विद फैट ग्लोब्यूल्स, कहने का मतलब ये है कि जो सेल्स होती हैं इस टिश्यू की वो फैट ग्लोब्यूल से भरी हुई होती हैं, और इसलिए उनकी जो सेल्स हैं उनको लिपोसाइट भी बोलते हैं। लिपो माने फैट और साइट माने सेल, यानी ऐसी सेल जो फैट को कैरी कर रही हैं। स्टोरेज ऑफ फैट ऑल्सो लेट इट एक्ट एज ए इंसुलेटर, और फैट की जो स्टोरेज के कारण ये जो आपका कनेक्टेड टिश्यू एडिपोज कनेक्टेड टिश्यू एक इंसुलेटर का काम करता है हमारी बॉडी में। मतलब साइंटिफिकली यदि माना जाए तो साइंस के अकॉर्डिंग फैट जो है वो इंसुलेटर होता है। इस हिसाब से जो फैटी लोग हैं उनको ज़्यादा ठंड नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, बाकी आपकी इम्यूनिटी पे भी डिपेंड करता है कि आपको कितनी ठंड लगती है, लेकिन हाँ साइंटिफिकली जो मोटे लोग होते हैं उनकी बॉडी में फैट ज़्यादा होता है और वो फैट उनकी बॉडी में इंसुलेटर का काम करता है जिससे उनको ज़्यादा ठंड नहीं लगती है। ये थोड़ा सा मैंने इसलिए बताया कि बहुत सारी बातें होती हैं साइंस की जो काफी हमारा इंटरेस्ट क्रिएट करती है टॉपिक को समझने में और पढ़ने में। इसी के साथ मैं इस जो टॉपिक है आपका कनेक्टेड टिश्यू उसको जो है खत्म करती हूँ। धन्यवाद।